स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को चैवासा दौरे पर आ रही हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के क्रम में सिंहभूम लोकसभा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलवा के लिए लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। पीएम के चुनावी दौरे को सफल बनाने और गिलवा को भारी मतों से जिताने के लिए आज सीएम रघुवर दास ने चैवासा में भाजपा के चुनावी कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने के लिए अपने नेता व कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया, साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी। इसके बाद पीएम मोदी के लिए निर्धारित कार्यक्रम स्थल टाटा कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैदान की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही जरूरी बदलाव के लिए दिशा निर्देश दिया। इससे पहले सीएम ने चैवासा के भाजपा केंद्रीय चुनावी कार्यालय में पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत सुनिश्चित कर जमकर प्रचार प्रसार करने में लगने को कहा। उन्होंने नेता व कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सभी मतदाताओं से कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से मिलकर भाजपा के लिए वोट करने की अपील करें। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी विरोधी काम और भीतरघात करने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने सिंहभूम सीट पर लक्ष्मण गिलवा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को 10 बजे टाटा कॉलेज के मैदान में उनका आगमन होगा और इस कुल्हान क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। उसी की तैयारी में आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा प्रदेश के संगठन महामंत्री और पश्चिम सिंहभूम के हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्य, पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष, महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2014 से भी ऐतिहासिक चायबासा की कार्यकर्ता, चायबासा की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सभा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। मैं मेरे राज्य की सभी मतदाताओं से अपील है, खासकर नौजवान युवतियों से, मत का जो अधिकार हमारे पूर्वजों ने काफी बलिदान देने के बाद ये हमें अधिकार मिला, तो 100% झारखंड की मतदाता, हमारे लोहरदगा की मतदाता, पलामू की मतदाता और राज्य में जो 4 फेज में चुनाव, सारी जगह से मतदाताओं से अपील है, घर से निकलकर अपना मत का प्रयोग देश हित के में करें। देश किसके हाथ सुरक्षित रहेगा उसको ध्यान में रखकर अपना मत का मतदान करें। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के इस चुनावी दौरे को ऐतिहासिक बनाना है। उन्होंने देश के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की ताकि देश में आने वाली सरकार मजबूत हो। आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के संगठन महामंत्री जी का चायबासा आगमन हुआ। उन्होंने पार्टी के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, संयोजक और सहसंयोजक हैं, उन सब के लिए का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने ये बताया कि आगे जो हमारी चुनौती है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को आ रहे हैं चायबासा की धरती पर, उनका स्वागत है। पिछले वर्ष जो 2014 में आए थे उसमें बहुत बड़ी भीड़ जनजाति क्षेत्र से यहाँ लोग आए थे, इस बार उससे भी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बहुत ही बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से जनजातीय समाज के लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। सब कार्यों को कि बूथ के स्तर पर हमें क्या काम करना है, जो शक्ति केंद्र के स्तर पर हमें क्या काम करना है, मंडलों के स्तर पर क्या काम करना है और फिर जिला के स्तर पर क्या काम करना है, उन सब चीज़ों को दोबारा हमें एक ईमानदारी और कर्मठता के साथ, इंटेंसिटी के साथ करना है और इन सब बातों के संबंध में उन्होंने बताया। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग पैदा हुआ है और हम सबों को विश्वास है और सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जो हमारा पश्चिम सिंहभूम का जो ये सीट है जिसमें हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय श्री गिलवा जी हैं, उनको हम लोग दोबारा जिता करके यहाँ से हम लोग भेजेंगे। सर, हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाकर हमारे वोटरों से संपर्क करते हैं और उसी काम को हम लोग अभी करेंगे एक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद। और कार्यकर्ताओं को यही कहा गया कि हम सारे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और उन्हें आग्रह करें कि हम देश को बनाने के लिए, एक प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग 2019 का चुनाव
कर रहे हैं। देश के स्वाभिमान, राष्ट्रवाद, विकास और सुरक्षा, इन सारे चीजों के लिए हम लोग एक प्रधानमंत्री जी को चुन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस राष्ट्र, इस देश को स्वाभिमानी और विकास की ओर अग्रसर कर सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंडलकारा चैवासा में जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा, प्राधिकार के सचिव कृष्णकांत मिश्रा, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट राजेश कुमार उपस्थित रहे। जेल अदालत में प्राप्त 7 आवेदनों का बारी बारी अवलोकन किया गया। एक अभियुक्त को कारा में बिताए गए अवधि को समायोजित करते हुए वाद का निष्पादन किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की मेजबानी में आज से शुरू हुआ अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने धनबाद को 40 रनों से पराजित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने 40 ओवर में 8 विकेट खोकर 158 रन बनाया। कप्तान जया कुमारी ने 63 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 58 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद की टीम 33 ओवर में सारे विकेट गंवाकर 110 रन ही बना सकी। सिंहभूम लोकसभा सीट पर 12 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिग्गज नेताओं के आगमन को लेकर प्रस्तावित दौरा तय हो गया है। यह चुनाव और सिंहभूम सीट कई मायने में खास हो गया है। आने वाले समय में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सिंहभूम संसदीय सीट पर 9 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 2 महिला और 7 पुरुष प्रत्याशी हैं। इस सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम के सांसद लक्ष्मण गिलुआ चुनाव मैदान में हैं। वो दोबारा इस सीट को हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालना चाहेंगे। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ को आजसू, जदयू और लोजपा का साथ मिल रहा है, लेकिन उनके साथ परेशानी इस बात की है कि सिंहभूम संसदीय सीट में पड़ने वाले 6 विधानसभा में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है, इसलिए उनके लिए यह काफी चुनौती भरा है। मोदी के भरोसे चुनावी नैया को पार करने में जुटे हैं। वहीं इस सीट को जीतना मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए भी कई मायने में खास है। कोल्हान प्रमंडल में 3 लोकसभा सीट हैं, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी लोकसभा क्षेत्र। कोल्हान प्रमंडल से सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए अपने गृह क्षेत्र के 3 सीट को हर हाल में जीतने की चुनौती रहेगी। इन सीटों को जिताने के लिए वे लगातार दौरा भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 5 मई को टाटा कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय किया है, ताकि चुनाव में मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर जनता को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रेरित कर सके। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं पर इसका कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर सिंहभूम लोकसभा सीट को हासिल करना पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। गीता कोड़ा जय भारत समानता पार्टी से जगन्नाथपुर के विधायक हैं और वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सिंहभूम लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा को इस चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ मिल रहा है। सिंहभूम लोकसभा के 6 विधानसभा सीट में 5 विधानसभा सीट पर झामुमो के विधायक हैं, जबकि 6 विधानसभा सीट से वे स्वयं विधायक हैं। इस मायने में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यह सीट काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं इस सीट से वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी से पराजित हो चुकी गीता कोड़ा को इस चुनाव में जीतने का सुनहरा अवसर भी है, ताकि 2014 के चुनाव में हर हाल का बदला 2019 में जीतकर लिया जा सके। इस चुनाव को जीतने के लिए गीता कोड़ा ने भी राजनीतिक दांवपेच लगा दिए हैं, इसलिए कई मायनों में सिंहभूम संसदीय लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। इन 2 प्रत्याशियों के मुकाबलों को दिलचस्प बनाने में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव मैदान में खड़े 7 प्रत्याशी भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने में जुटे हैं। सभी प्रत्याशी राजनीति में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, वे भी राजनीति के हर दांव पेच आजमाने के प्रयास में जुट गए हैं। इन 7 प्रत्याशियों में झामुमो उलगुलान से कृष्णा मांडी बोतल छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 1991 में पहली बार कृष्णा मांडी
सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से झामुमो के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। उसके बाद कई बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। कृष्णा मांडी का भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, यहाँ के मतदाता उन्हें बखूबी जानते हैं। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी परदेसीलाल मुंडा, कम्युनिस्ट से चंद्रमोहन हेम्ब्रम, बैटरी टॉर्च, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से प्रताप सिंह बानरा, कोट छाप से कलिंग सेना से हरि उराव, बल्ला छाप से और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनिल सोरेन, ट्रैक्टर चलाता किसान और पुष्पा सिंह को हेलीकॉप्टर छाप से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मतदान की तिथि ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है त्यों त्यों चुनाव की सरगर्मी मौसम सरगर्मी के साथ तेज होने लगी है। मतदाता की जुबान पर चुनाव की चर्चा होने लगी है। राजनीतिक पंडित चुनाव में प्रत्याशी की जीत हार का आकलन करने में लग गए हैं। चौक चौराहों में कोई राजनीतिक पंडित किसी दल का और राजनीतिक पंडित किसी दल का हार जीत का आकलन कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर किस प्रत्याशी की जीत और हार होगी यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।